टाइम 24 न्यूज जस्ट पास सच दिखाने का। राम राम भैया, क्या हाल है। मैं हूँ भूपेश प्रताप सिंह और आप देख रहे हो टाइम 24 न्यूज। आज टाइम 24 न्यूज की जो टीम है भैया, निकल चुकी है गामन की तरफ, क्योंकि हमने पहले ही बताई तुम्हें, हम गांव को आपको हाल दिखाएंगे। गांव में प्रधान ने क्या क्या काम करो, विधायक ने कैसी सड़क बनवाई है, जिला पंचायत जो सदस्य वहाँ ने क्या क्या काम करो, हर चीज़ को हर चीज़ दिखाएंगे गाँव की, कि गाँव में शौचालय बने हैं तो कि ना बने, कि कहीं शौचालय सफा है, शौचालय नहीं खा गए, चा वहाँ के अलावा और भी बात हो, राशन कार्ड की बात हो, राशन कार्ड बने कि ना, राशन मिल लो कि ना मिल लो है, हर चीज़ पर बात करेंगे। लेकर चुके हैं बुलंदशहर के खुर्जा क्षेत्र के गामन में, और यही होएगी अब बात, देख लो तांगे पे लेकर हैं, गांव को पूरा हाल दिखाना हो, आ जाओ हमारे हमारे पीछे पीछे और देखते रहो, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ली हो। हमारी शिकायत करने लगी डीएम साहब के भी लेवल पे जांच हुई बहुत लोगों की, जिसमें कहा कि शौचालय पे पैसे दिए गए, जैसे कि मुद्दा यही कहा कि पैसे लिए गए या वो क्या, तो डीएम साहब ने जांच कराई, लाभार्थी को सीधा सीधा 12,000 का खाते में पेमेंट गया, लाभार्थी ने खुद बनाया, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। उसके बाद 17 में हमें काम करने का मौका ही नहीं मिला, 18 में हमने फिर काम किया, मन से किया, 19 में काम किया, 2 साल हमने खूब लगातार काम किया, कम से कम मैं कामों की विकास कह रहा हूँ कि 50-60 कामों की सूची है मेरे पास, मैं लगाया होगा या किसी सांसद किसी ने भी लगाया हो, खरंजा सही लगा था। ये लोग जो हैं, इन्होंने एक ऊंची बिल्डिंग बनाई, इन लोगों ने अपनी बिल्डिंग बना के वो रास्ता ख़राब करा दिया, ख़राब करके पानी रोक दिया, उस पर बैठ गया वो खरंजा। अच्छा। उसके बाद मैंने 2019 में जुलाई में नया खरंजा लगाया, जिसका मैं आपको फोटो भी आप मेरी फेसबुक की आईडी खोल के देखेंगे, उसमें आपको नया खरंजा दिख जाएगा लगा हुआ। मैंने खरंजा लगवाया मिट्टी सही डलवा के, नाली उसमें इस वजह से नहीं लगाई, इन लोगों ने ईंट चुरा ली उसमें से। फिर हमने जब हमारे जो एक विकास डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं उनसे जानकारी ली कि भाई हम नाली बना सकते हैं या नहीं बना सकते, वो नाली इसलिए नहीं बनाई गई कि पिछले हमने प्रधान जी ने वो नाली अपने उसमें बनाई थी मनरेगा के अंतर्गत। तो सुना आपने कि प्रधान जी ने गाँव में कैसा रिकॉर्ड तोड़ विकास किया है, जिसने ना सिर्फ गाँव के दिन बदल दिए बल्कि विकास के मायने ही बदल कर रख दिए। सियासी मंचों से आए दिन विकास की बात करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी देखना चाहिए कि विकास को तो इस गांव के प्रधान ने मानो घेर रखा है, और फिर विकास कहीं और कैसे पहुंचे और भारत कैसे बने डिजिटल इंडिया। गांव के ग्रामीण तो मानो जैसे इन्हें चुनने के बाद निहाल ही हो गए हों, और होते भी क्यों ना, जब गांव में एकदम चमचमाती पक्की सड़कें हैं और नाली इतनी साफ कि टिकटिकी बांध कर देखने पर आंखों में चमक लग जाए। इतना ही नहीं, गांव में 24 घंटे बिजली की शानदार सुविधा है, मानो जैसे प्रधान जी के राज में गांव में विकास की गंगा बह रही हो, राम राज स्थापित हो गया हो और आसपास के गांव के लिए ये गांव मिसाल बन गया हो। तरक्की का आईना बन चुके इस गांव के हालात जानने के लिए जब कैमरा आईडी उठाकर हमारी टीम खुर्जा के सीकड़ी गांव पहुंची, गांव पहुंचते ही यहां बनी नालियां चीखने लगी, चिल्लाने लगी कि देखो देखो मैं प्रधान जी का विकास हूँ। इतना ही नहीं, कैमरा चलते ही यहाँ बनाए गए इज्जत घर चीख चीख कर खुद प्रधान जी से थोड़ी इज्जत की रहम मांगने लगे, मान सम्मान मांगने लगे, क्योंकि प्रधानमंत्री की योजना अधिकारियों के जरिए गांव तो पहुँच गई, मगर प्रधान के दखल के बाद वो थोड़ा डगमगा गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये इज्जत घर मगाया सा महसूस करके खड़ा हुआ है। भैया मोदी जी ने इतनी मेहनत करी,
और बार बार बोटन में कही है कि हमने शौचालय बनवाए, इज्जत घर बनवाए। अब इज्जत घर की हाल देख लो, या तो इज्जत घर की इज्जत लुटी हुई दिख रही है साहब। ऐसा लग रहा है एक एक चीज़ देखो, एक एक दरार जो लग रही है ना, ये प्रधान जी के जो विकास है वाकई गवाही दे रही है कि मैंने इतना विकास करा हुआ। अरे ये तो यूजी नहर रही, ये तो बंद पड़ी है बहुत दिन से, ऐसे लगे ऊपर को हाल देख लो तनक, ये कभी भी गिर सके। आदमी या इज्जत में आएगा ना अस्पताल में दिखाई देगा, आप आएगा तो यहाँ को सुबह कुछ करने और शाम को कहीं और दिखाई देगा। और पल्ली तरफ से तो है देखो पलंग से सूरज को उजालो आ जा, सांझ को आवे चांद की चांदनी, चारों लंगते दिखाई दे रहा है। या कुक है विकास और यू है प्रधान जी को इज्जत घर, ऐसे इज्जत घर बनाए गए हैं। अब देख ही लियो इज्जत घर है भैया, हमने तो देख लियो और गांव के ने हमें बताइए, हमने आके यहीं ध्यान लगाया हो कि ऐसे भी हों इज्जत घर। अगर जिनके हल्ला है रहे चारों तरफ, हम मोदी जी बार बार लोग अंत कह रहे हैं कि हमने शौचालय बनवाए और यहाँ नीचे आके देखेंगे तो प्रधान ने शौचालय इनको आकर दियो इज्जत घर के नाम पर। देखो अस्पताल में काम चलवाएंगे तो सीधो आदमी बैठे को यार अस्पताल में जावे को और सीधो बीमार हो आता हूँ। सही कह रहे हैं, अच्छा और भी ऐसी ही सगरी ऐसी बनाई है, कहीं अस्पताल वाले से जानकारी है जरूर कि आदमी का चोट लगे और अस्पताल भर्ती रहे और काम चले वाको भी। चलो आगे। आप हंस रहे हैं तो हंस सकते, मगर इस गांव के ग्रामीणों की बदनसीबी तो देखिए, जिन्हें चुनाव के दौरान तो बड़े बड़े सपने दिखाए गए, मगर वो सपने इस गांव में जमीन पर उतरने के बजाय सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गए। आलम यह है कि गांव के ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं के नाम तक नहीं पता, और जिनको पता है वो योजना ग्राम प्रधान की मनमानी के चलते भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। ग्रामीण बताते हैं कि इनका प्रधान सिर्फ प्रधान ही नहीं बल्कि कई खूबियों का मालिक है, या यूं कहें कि ऑलराउंडर है। वो ठेकेदार भी है और मटेरियल से लेकर लेबर तक की व्यवस्था भी प्रधान खुद ही मैनेज कर देता है। ग्रामीणों ने बताया कि प्रधान ने अपनी लेबर लगाकर गांव में ऐसे शौचालय खड़े कर दिए जो मौसम की मार तक ना झेल सके, और महज एक साल बाद यानी अब उन शौचालयों में न सिर्फ दरार आ चुकी है बल्कि कई शौचालय तो बिल्कुल जर्जर हालत में पड़े हुए हैं। हाँ तो भैया राम राम, हम पहुंच गए हैं खुर्जा के सीकरी गांव में, और देख लो तेरे को भैंस भी बन रही हैं और भैंस भी नाराज दिख रही है, लगे प्रधान ने कसना करवा दी है। गांव के कितने नाराज होंगे अभी पता करें, देख लो यहाँ बैठे हैं भैया, गांव के बुजुर्ग भी बैठे हैं, आराम से खाट लग रही है और पंचायत लग रही है, इनसे ही पूछेंगे। तो राम राम। राम राम। क्या नाम है? तो राकेश। राकेश जी ये बताओ गांव में क्या क्या काम हुए, क्या करो प्रधान जी ने? ये तो ये खरंजा है, ये तो सन सीधे लगाना है। अच्छा, और पल्ली तरफ लग रही है इंटरलॉक और इधर कुछ भी ना, मतलब पक्षपात करो। ओह तू बोल। अरे बता दो, कोई बात ना, जो ना हो वो बताओ, जो करो वो बताओ। हाँ तो इधर को कुछ ना पीरा लाला बोले पढ़ा देखो, अभी बात करेंगे, इनसे ही बात करेंगे अभी। तुम बताओ साहब जी क्या नाम है? तो मेरा नाम सुखबीर है। सुखबीर जी क्या क्या काम होगा? मैंने कराया जी कशु बिहार तक, अपने मैं कराया जो कुछ कराया हो। अच्छा, इतको तो नाली तक की ना मैंने, और की दुकान चले। हम अभी आए तो खरंजा ही खरंजा दिख रहे हैं, खाली कुछ है ही नहीं। अच्छा, पुराना खरंजा दिखा रहा है सब इंटरलॉक। कब को खरंजा लगा हुआ? खरंजा सन 80 को। 80 को? तो कितने प्रधान बन गए 80 तब तक? कितने प्रधान बदल गए, कहीं कुछ नहीं कराया आज तक। क्या कहेंगे सब? यूंगे करांगे, लेकिन आज तक कहीं रसीद नहीं ली आके। और जब वोट मांगने आवे जब क्या सीन रहे? जब हाथी हो रहे हैं आके तो बाबा हमें वोट दीजिए, हम तुम्हारे साथ खरंजा सब इंटरलॉक कराएंगे, नाल इन और सब बिल्कुल सही करा देंगे। आपके शौचालय क्या हाल है? लेटरिन को लेटरिन बनवाई है वैसी सोखता वाली। अच्छा, मन में लगेगी 2000 रुपये बस। 2000 रुपये लगे? 2000 न तुम्हें देनो हो, 12000 को चेक। कुछ नहीं दिए हमें आज तक, हमारी तो बनवाई और ना आज तक। लो भैया बनवाई ना, ईंट रखी, इधर को भी देख लो, कही तुमने क्या बनवा दो भैया, देख लो ईंट रख लेंगे मैंने, प्रधान जी ने ना तो इनको शौचालय बनवाया, ये तो बहुत बड़ी बात है। और क्या चीज़ रही है गांव में? लाइट वाइट को कैसे, सोलर वोलर कुछ गांव में? लाइट वाइट कुछ ना ही तो हमने वैसा लग बारा की अपनी मंदिर पर नहीं, कोई लाइट ना कैसी। अच्छा, कुछ ना? कुछ ना। क्या कहे हैं आप? जाओ प्रधान जी का ढिंग के जी, प्रधान जी वोट भी दी करवा के बाद भी प्रधान जी तो वहाँ रहे अकेले, मिले ही ना वहाँ। अच्छा, कुछ और काम कर रहे हैं? इंजन कहाँ करे? अकेले किले में रहे? किले में पूछो मेरे गांव ना।
किले में रहे जी। किलो क्या आयो? खुड़जा। अच्छा, किलो कॉलोनी है। तो प्रधान जी हाथ चुनाव लड़ लिया, किले में जाकर रहने लगे। तो अब क्या काम गाँव में करो? क्या कहा वैसे गाँव में जी? कुछ ना करो, मतलब खरंजा बरंजा हमारी तरफ तो लगना रहे, पल्ली तरफ लग रहा है। अच्छा, पल्ली तरफ करो है। अरे जो शौचालय वौचालय बने हैं, मोदी जी ने इतने शौचालय बनवाए हैं, तो गांव में पहुंचे हैं वे वहीं रह के पीछे ही? हमें ना साल जी तो चार ही बने देंगे। अच्छा, हमारे तो बनना। अपने साले का बनवाया जो गांव। राशन वासन बढ़िया मिल रहा है? राशन वासन कहा जी, हम तो अभी एक दो बेड़ तो ही लाए हमारे, हम है ही नहीं राशन कार्ड में। तो फ्री बार मिल लो ना वैसे तो? ना फ्री बार मिल लो। अच्छा, मिल लो। हाँ, कभी मिल जाए कभी ना मिले। प्रधान जी देखो यार, गांव के इनकी बात जरूर सुनो, और भी लोग हैं बात करें। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम युधिष्ठिर सिंह राजपूत है, मैं गुजरात फायर सर्विस में हूँ। मैंने प्रधान जी से कई बार कंप्लेंट भी की है, और एक गांव के नाते होने से मैंने रिक्वेस्ट भी की है। जो हमारे ग्राम प्रधान है वो जाति से जाट हुए भेदभाव की राजनीति करते हैं। उसने पूरे विकास कार्य अपने ही क्षेत्र में कराया है, और जबकि ये गाँव सीकरी का लिंक रोड है, अभी झाझर रोड मेंटेनेंस पे चल रहा है। तो यहाँ से टैना की, खुर्जा की, समस्तपुर की जितने भी वाहनों की आवाजाही है इधर से ही होती है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहीं पे है। आप वहाँ से चलिए, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। इतने गड्ढे ना, हम निकल के आए, हमने देखा गड्ढे। हाँ, तो हैं गड्ढे हैं। और ये मैं दिखाता हूँ, ये रंजन मास्टर जी है, यहाँ से उसने इंटरलॉकिंग दिखा रखी है, और खरंजा दिखा रखा है, और नाली दिखा रखी है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हुआ है। सब फ्रॉड गिरदी हुई है, मतलब कागजन पे बनी हुई है। पैसा भी 2,10,000 पास हो गया, मैं इसका तुमको दिखाता हूँ पुराना, वो देख लेंगे हम। हाँ ठीक है। और दूसरे नंबर जो शौचालय हुए हैं उनमें भी इसने भ्रष्टाचार किया है, और एक शमशान बनाया है उसमें इसने 5,60,000 का एस्टीमेट किया है। सो और उसमें श्रमदान किया है जाटव लोगों ने, लेकिन इसने उसका भी बिल रखा है। और मैं आपको दिखाता हूँ, प्राइमरी गेट पे जाके देखिए, इसका 3 बार पैसा निकाला हुआ है, लेकिन काम हुआ नहीं है कुछ भी। मतलब स्कूल का गेट जो है, स्कूल का गेट इसने 3 बार दिखाया है, 3 बार दिखाया है गेट, 3 बार बना दिया प्रधान, 3 बार बना दिया, लेकिन एक्चुअल आप जाके लाइव देखिए भैया, 3 बार गेट बनाया हुआ, अब 3 बार में भी गेट ना बन पाया हो। और ये तो, और जो भी कोई कंप्लेंट करता है तो ये SC एक्ट का झूठा मुकदमा, और पुलिस वालों से मिली भगत के कारण ये मानसिक दबाव बनाता है, प्रताड़ित करता है लोगों को। अच्छा, कई बार इसने ऐसा ही किया, जो भी कोई शिकायत करता है इसके खिलाफ तो ये SC एक्ट का मुकदमा दर्ज कराता है। एक हमारा पूर्व प्रधान है, वो वाल्मीकि है, उसके लड़के ने भी विकास कार्य के लिए इससे वार्ता की, तो उस पर इसने अपनी वाइफ को छेड़ने का आरोप लगा दिया। अभी मैं उनसे भी आपको बात करा दूंगा, जैसे आप टैना की तरफ निकल के जाओगे तो उनकी दुकान है, वो भी बहुत पीड़ित है इससे। क्या नाम भैया? अमित कुमार। क्या कैसो हाल है गांव को? हाल तो तुम्हें, तुम भी देखे आए हो जैसा हाल है। आप बताओ, हम देखो देख लो ना, बोलन दो जी। ना गड्ढे वड्ढे तुम देख रहे हो, थोड़ी बूंद बांध पड़ जाती तो और बढ़िया तुम्हें नज़ारा मिल जाता। देखो कि भाई, देखो हर गांव में इंटरलॉकिंग तो अटैम्प है, और तुम्हारे गांव में हम खरंजा, ये खरंजा कितनी है इतनी जानकारी ना है, पर ये जो खरंजा है इंटरलॉक पास हुआ है पड़ा है। अच्छा, अभी इंटरलॉक लगो नहीं है, खरंजा एक बार लगवा दियो, नाल इनसे हाथ नहीं लगाया। ताऊ से बात करेंगे, ताऊ से पूछेंगे। ताऊ क्या नाम है? गजराज सिंह। गजराज सिंह, गजराज सिंह ये बताओ जी, आपके गांव को कैसो हाल है, क्या क्या हुआ पिछले 5 साल में? ये जातिवाद की पॉलिटिक्स है गांव में के अंदर, प्रधानी में भी जातिवाद चल रहा है, जातिवाद हर चीज में काम हो जाते हैं, तो कागजों में पेपरों में काम पूरे ही। अच्छा। एक बार खरंजा लग जाती है, नाली लग जाती है, काम कुछ नहीं है। शाम यहाँ से यहाँ तक पक्की नाली दिखा रखी है, कोई कुछ नहीं है। पेपर बिल सब बन के चले जाते हैं, यहाँ से लेके पीर तक, मंदिर से लेके पीर तक सब काम होते हैं कागजों में कई कई बार हो गए, मगर कुछ नहीं हुआ विकास के लेवल पर। और अच्छा, गेट 3 बार बदलवा दिया, एक बार भी बदलवाए नहीं है, 3 बार पेपर कागज ना सब काम हो रहे हैं, सब हजम कर लेते हैं। और कोई कहता है तो उसमें फिर रिपोर्ट करने के लिए जाता है, पहले उससे पहले पहुंच जाता है। अच्छा। रिपोर्ट करके पुलिस वाले अगर पैसा दे के अपना उसी को डांटते हैं। ये 5 साल में 2-4 काम तो करे होंगे? उसने ओनली अपने मोहल्ले में करे हैं। अच्छा, मोहल्ले की इंटरलॉकिंग कराई है, और आप तो यहाँ देख सकते हो खरंजा, इस ये नोएडा से लेके खुर्जा तक लिंक रोड है, तो इसमें हर तरह का वाहन आ सकता है कभी भी। सवारी चल रही है सवारी, और यहाँ से झाझर से लेकर इस रोड पे अगर खुर्जा वाले पे काम चल रहा है तो सवारी सीकरी में पास हो रही है, तो कोई कुछ नहीं है, पानी भर जाता है, जब गड्ढे गड्ढे हैं, आधी मोटरसाइकिल यहाँ टूट जाती हैं, रपट जाती हैं, आधी सवारी चोट लग जाती है। शौचालय कितने बनवाए? शौचालय तो जी कितने लगाए, देखो इसमें पेपर, आप तो सब पेपर भर के चल रहा है, पास क्या हुआ, आप कौन सी मेंटेनेंस ईंट लगाई है, पीली ईंट लगाई है, क्या लगाया है, ये तो उन्हीं को मालूम है।
तो मनरेगा में काम वाम मिलो लोगों ने यहाँ के? देखो मनरेगा में काम, मनरेगा में पेपरों में पूरे काम चल रहे हैं, वैसे काम कोई नहीं, कोई कहीं नहीं हुआ। कहाँ कहा तो बताई नहीं, पेपर में उसमें नेट में देख के निकालते हैं तो उसमें है का, फिर कोई ना कोई ड्रामा कर देता है उनकी जान को। अच्छा, कहीं कोई एक्चुअल काम नहीं हुआ। भैया देख लो, गांव के लोगों में काफी गुस्सा है, तो प्रधान जी ने तुम भी देख लो एक बार, खरंजा पहले दिखा दूँ एक बार, या खरंजा एक बार देख लो भैया। ये बता रहे हैं कि ये सीधो खुड़ जाते झाझर रोड यानी नोएडा को, और इसके यहाँ पे सवारी लगातार चल भी रही है, देख लो सवारी तो लगातार चल ही रही है, और लोगों को जो गुस्सा वो जायज भी लग रहा है, क्योंकि 5 साल रह चुके हैं, दोबारा चुनाव आने वाले हैं, अब दोबारा फिर ये वोट गिरेंगे, अब प्रधान जी फिर आएंगे वोट मांगने को, फिर हाथ जोड़ेंगे, फिर ये लोग कैसे वोट दे देंगे यार। कुछ ग्रामीणों ने आरोप यहां तक लगाया कि प्रधान ने चुनावी रंजिश मानते हुए मोहल्ले में विकास नहीं कराया, जबकि अपने मोहल्ले में प्रधान द्वारा खूब विकास कराया गया है, जिसके बाद सच जानने के लिए हमारे देसी रिपोर्टर भूपेश प्रताप सिंह उत्साहित हो गए और बाइक पर सवार होकर प्रधान की असलियत को जानने के लिए उनकी मोहल्ले की ओर चल पड़े। भैया चल दिए हम गांव को हाल देखने, और मोटरसाइकिल पर बैठ गए उल्टे, ये भैया बोले गांव को दिखाएंगे तुम्हें हाल, और देखते चलो नाली में देखते चलो यहाँ किन्ने कैसो हाल, और डर भी लग रहा हमें तो यार पीछे बैठ के कहीं गिर ना जाए, आराम चलिए भैया मेरे। तो भैया जो यहाँ बताई गांव के इनने कि गांव में जो विकास चल रहा है वो 5 साल में हो तो कछना, लेकिन गांव को जो दूसरों मोहल्लो है यानी जो प्रधान जी को मोहल्लो है वहाँ प्रधान जी ने चमाचम कर रखा है, अंजो कह रहे हैं विकास वहीं दिखाई देगा तुम्हें, और कहीं दिखाई ना देगा, तो वहीं पहुँच रहे हैं और चलते रहो हमारे पीछे पीछे, और डर लग रहा थोड़ा सा यार मोटरसाइकिल पीछे, जो गांव में विकास चल रहा हो ना हमें वो चल लो जैसे ही मोटरसाइकिल चल रही है होले होले, और देख लो गांव के आदमी भी देख रहे हैं हमें यार जाते हुए तो उल्टे बैठे हैं आदमी, आज तो मैं पूरा विकास दिखाऊंगा यही गांव को हल ना, अभी तो अगले में भी जानो और या के बाद तुम्हारे में भी आनो है, हर गांव को हल दिखाना है, और खाली प्रधान को ही ना दिखाना विकास, जिला पंचायत सदस्य विधायक और जो भी है तुम्हारी जो समस्या वो हमें दिखानी है, अब तुम्हें भेजेंगे करके, वैसे हमारे चैनल है यार लाइक करो, जब ही तो आएंगे तुम्हारे गांव में, नहीं इतने ना पाएंगे, ध्यान रखो। प्रधान के मोहल्ले में पहुंचने के बाद वहां के स्थानीय लोगों की ओर से और कई चौंकाने वाले दावे भी किए गए। लोगों ने बताया कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा जहां लगी है वहां कागजों में न सिर्फ 4 दीवारी दर्ज बताई जाती है, बल्कि यहां इंटरलॉकिंग टाइल्स लगा होना भी बताया जाता है, मगर जमीन पर जो सच है वो आपके सामने है, क्योंकि ना तो यहां 4 दीवारी है और ना ही यहां कोई चमचमाती टाइल्स नजर आती है। यह अब हम पहुंच गए गांव के दूसरे मोहल्ले में, यहाँ की बता रहे हैं यहाँ विकास करो, हमें तो यहाँ ढूंढने तेना मिल लो है अभी, अब यार ये जो हम खड़े हो ना अम्बेडकर पार्क है, यहाँ बता रहे हैं गांव के आदमी के यहाँ इंटरलॉक टाइल लगी हुई है, ना हमें टाइल दिख रही हैं, अब इनसे पूछे रहे हैं कि टाइल कहाँ पे। हाँ जी ताऊ क्या नाम है? ताऊ कहाँ है इंटरलॉकिंग टाइल लगी हुई है? यहाँ देख लो साहब आपके सामने कौन सी इंटरलॉक लग रही है, कितना खर्चा किया, कितने ना के उसमें दिखला रखा जा, एक ईट से लगी ने बाउंड्री दिखला रखी, इंटरलॉक दिखला रखा, तो यार एक पैसा का काम नहीं हुआ। अच्छा दिखा रखी है बाउंड्री? हाँ आप बताओ क्या क्या दिखा रखो है? सब यहाँ कुछ नहीं दिखा रखो, यहाँ तो इंटरलॉक भी वहाँ में दिखा रखी और वैसे भी दिखा रखी है, बाउंड्री भी और यहाँ इंटरलॉक दिखा रखो, बाउंड्री दिखा रखी है, यहाँ कुछ नहीं है। नाली वाली की सफाई भी ना दिख रही? नाली वाली की कोई सफाई ना, महीना में 2 महीना में एक बार आवे, कोई सफाई ना। देखिए आगे यहाँ से आगे देखिए आप ही देख लीजिए कितनी वो बन रही नाली, और दूसरे मोहल्ले वाले कह रहे हैं मोहल्ले में विकास कर रहा हूँ नहीं कहीं ना हो रहा हूँ। अच्छा जी। हाँ जी प्रधान जी आमे हैं पता करने के भैया के कहाँ काम चल रहा है? कहीं ना आ रहे छठे छमा कोई बात वैसा पड़ जाए तो आ जाओ, नहीं तो वो नाम है। शौचालय वौचालय कैसे बने? शौचालय बने जी, सोखता बने, पीरी ईटन के बनवा दिए वो, हाँ 12,000 रुपया है वो, हमें शौचालय बनवा दें बस, और कुछ नहीं। क्या क्या करो जी? अपने आप पैसा अपने आप मानव मजदूरी भी
बाइक लगाए जान बनवाई है और ऊँटी रीट लगानी है हमें। अच्छा गिर भी सके हैं फिर तो? है जी, गिर भी और गिर भी सके गिर भी अच्छे पीरी पीरी लगवानी है उनमें और पैसा का एक ना दियो, एक पैसा का ही ना दियो, अपने आप लगवाएंगे अपने आप, वो भी रहता सीधा हमें एक दिन बाद नहीं है। प्रधान जी ने कितने नंबर दोगे 10 में से? दो भी नाम मेरे को कहा मिलो दो भी ना आप बता दो जी कितने दोगे प्रधान जी 10 में से? कहा जाएंगे कुछ भी ना दोगे हम, कहा 5 साल पूरे है लिए ना अब। हाँ एंड है लियो। हाँ भाई 5 साल में क्या क्या करो है जी, पूछना तो भाई अब उनको, जब उन्होंने अभी तक कुछ ना करो तो अब क्या करेंगे जो आगे। 10 में नंबर क्या दे रहे हो? एक भी ना दी यार, 0। ये तो बहुत बुरा हाल है, 10 में थे 0 प्रधान जी ने। आप क्या कहो भाई साहब? 0 बेटा 0, एक नंबर ना, एक नंबर ना। प्रधान जी ने कुछ कुछ तो काम करो, करो कुछ ना करो, अपने पेट भरो, अपना पेट भरो जी और काम करो। अब प्रधान जी क्या क्या खाएंगे? सब ने सौदा खाएंगे और क्या करो, शौचालय भी खाएं? हाँ शौचालय फौचालय सब ऐसे। अच्छा जी आप बताओ भैया क्या 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 करो प्रधान जी ने? प्रधान जी ने क्या करो, कुछ भी ना करो, कहा दिख रो हमें कुछ ना दिख रो, गाड़ी गार दिखाई दे जिधर देखो विकास के नाम पे 0, बिल्कुल 0 0। और नंबर कितने दोगे प्रधान जी ने 10 में थे? जाता एक नंबर, एक नंबर पास भी ना आए तो गृहस्थ भी। अयुब जी बताओ ये नाली की सफाई भी ना दिख रही है? कुछ भी ना जी, आता ही नहीं है वो कर्मचारी, सफाई कर्मचारी आता ही नहीं है। कुछ शिकायत ना करी है? शिकायत करते हैं, किससे करे शिकायत, कौन सुनता? अब तो ऑनलाइन शिकायत हो जा, सब हो जाती है, कोई नहीं सुनता, सब आती तो खबर यहीं पे आती, तो यहीं पे ब्लॉक पे ही खबर। अच्छा हाँ हाँ बाबा बताओ बताओ। बात करने वाले बात लाऊं, प्लाटो वाले बात आ गई थी ना, आपके दिए हैं पैसा भी लिए हैं, फिर भी मेहनत किसी से नहीं ले ना, मैं ना तो अपने अपने आप दे रखे ये जो ये पट्टी जो कटी है। अच्छा जी हाँ जी, पैसा कितने कितने लिए? काय पे 14 लिए, काय पे 13 लिए, काय पे 10 लिए। अच्छा जी हाँ जी, क्या क्या बता रहे क्या करो? जो प्लॉट काटे इनमें 14-14, 13-13 हज़ार रुपए लें, एक भी काय को फ्री ना कटो करो, तो ना काई कुछ कागज दियो है प्रधान ने? कुछ कुछ ना दियो कागज भी, कुछ ना छिन भी सके, अगर कोई प्रधान है तो वो भी कब्जो कर पास गए हम कुछ भी। पहले एडीओ साहब आए थे चेक करने के लिए, जब उनसे कहा गया मैंने किसी को नहीं दिया, अपने आप घेर रखे समझे, और जबकि पैसे लिए खुद मैंने, तो पैसा कहाँ गया? खुद इन्होंने दिया पैसा किसी के, जाओ कहीं भी जाओ प्रधान लो तो प्रधान ने ले, कोई चप्पे ये लो कोई भी लो पैसा प्रधान। आप बताओ भैया क्या नाम है? मेरा नाम सुदर्शन कुमार है। अच्छा मतलब किसी को भी बोलने लायक छोड़ा नहीं है, वो पैसे ले लेकर चुपचाप तो काट दिए गए, ये हरिजन आबादी है, क्या मतलब है इसमें काटने का? गवर्नमेंट स्वीकृत करा दे सीएम साहब से, तब देने चाहिए थे ना, मतलब किसी को कुछ नहीं, बस पैसे ले लेकर नहीं है काट दिए, कोई मतलब नहीं आ गए कागजों पे किसी के नाम में ना, किसी को कुछ नहीं है। ये बाउंड्री के बारे में ये बता रहे हैं कि ये कागजों में जो है भैया इंटरलॉक है, यहाँ पे इंटरलॉकिंग, उसने पैसा इस नाम से सैंक्शन करवा रखा है। अच्छा लेकिन इसमें लगाया 1 रुपया भी नहीं है, लगाया कुछ ना? कुछ नहीं लगाया, उसमें शमशान है, शमशान में 6.5 लाख रुपये दिखा रखे हैं उसने, एक चार मतलब चार खम्भे खड़े रखे हैं, बस 1.5 लाख जो मैंने खुद अपने आप खराब करवाया मैंने। अच्छा मैंने उसमें मतलब लोगों से उगाही करवा के नहीं है, ट्रैक्टर लेके नहीं है, श्रमदान में खराब करवाया, वो उसने जेसीबी लगा के नहीं है, 2 घंटे खराब हो गए 1200 रुपये में, 1.5 लाख रुपये उसमें निकाल रखा खराब। अच्छा जितने 1.5 लाख रुपये कितने नंबर दोगे प्रधान जी ने? प्रधान जी मैं तो माइनस में दूंगा, मैं तो 100 नंबर माइनस में 100 है प्रधान जी, अगर आगे को बन जाएंगे ना 100 साल तो भी ना पूरे होंगे ये तो। मैं गली दिखाऊं, मैं उसे 5-7 साल है, एक बार बता दें 7 बरस हो गए मुझे उस गली को लिखते हुए कि भाई इस गली को लगवा दे उसे, इस मेन रस्ते से आगे तो खरंजा लगा हुआ है लेकिन बीच में नहीं है, क्योंकि वो अपना आ रहा है उसका वहाँ पे, और दीवार खरंजा तक घेर कर नहीं रखा उसने, खरंजा पे दीवार लगा। प्रधान जी गांव में ही रहे, कहीं बाहर रहे हैं? किले में रहे, मैं किले का राशन कार्ड था, उनको वोटर कार्ड था, लेकिन जब प्रधान ही लड़ी तो वहाँ से कटवा दिया, इसी गिरी का बनवा लिया। अच्छा यहाँ फर्जीवाड़ा सबूत है उसको, ये भी फर्जीवाड़ा सबूत है मेरे पास में उसका, तो प्रधान जी की शिकायत का ओपन ना करी डीएम साहब के यहाँ? कोई डीएम वीएम कोई ना सुन रहा, बस इन्हीं के ऊपर भेज रहे हैं, इन्हीं के पास में, और ये बहुत सारी कंप्लेंट रखी है मेरे पास रखी है, उनका नंबर है सबका, और उसमें ये दिखा देगा ये हम पे दबाव, वो बेचारा फायर में फायर ब्रिगेड में ये फायर सर्विस में मैं होमगार्ड में हम पे ये दिखा देगा जी मेरे को दबाव डलवा रहे, हम दबाव डलवा रहे कोई, अरे अपने काम के लिए तो बोल रहे हैं, हमारा काम करवा दे, लेकिन उसके लिए उसे कोई मतलब ही नहीं है।
भैया सही बात है, मैं दिखाऊंगा। अगर गांव के आदमी वोट देंगे तो विकास को तुम दिखाएंगे, और कन्नो भी तुम्हारी मजबूरी है, और कन्नो पड़ेगा तो 5 साल है लिए। हाँ बाबा बाबा बोलो बोलो। शायद पहले चेकिंग आए हैं और पैसे उसमें कमी ना, शायद आप भी ऐसे उसमें आ जाओ, पैसा भर दे चुप लगा जाएगा। ना 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 बाबा, हमारा तो जो तुम बोलोगे अभी नंबर और दे दिए, जब आप व्हाट्सअप चलते हो देख लेंगे। हमें प्रधानमंत्री नाम तो तुम्हारी बात दिखाएंगे जो तुम कहोगे। देख लो देख लो, आपके सामने नाली भी आ रही है, रास्ता देख लो, खरंजा तोड़ करके जो मकान बन गया, कितने कितने लोग इसमें इंटरलॉक हो रहे, कितने रास्ते कहाँ पुलिया पड़ गया, अपने घर ले अपने घर डाल लिए, हमने घर बना लिए खंजा की घर बना दिए। तो भैया यहाँ तो लोगों में बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, और हर बात नहीं निकल के आ रही है कि प्रधान जी ने कुछ करो ही ना, और नंबर भी जो मिल रहे हैं ना वो माइनस में 100 तक पहुँच रहे हैं। अभी तो गांव को दूसरे आगे कोने को और हाथ दिखाएंगे। हाँ जब GDP देखिए तुमने माइनस में चली गई है भारत की, या प्रधान जी का जो नंबर है वो भी माइनस में चलोगे, लेकिन वो तो GDP से भी नीचे है। चलो आगे अभी गांव को और हाल दिखाना होगा, चलते रहो। वाह प्रधान जी वाह, क्या रिकॉर्ड तोड़ विकास कराया है आपने सीकड़ी गांव का। वाह प्रधान जी, क्योंकि अगर इसे ही विकास कहते हैं तो फिर नहीं चाहिए हमें ऐसा विकास जिसमें ना पक्की सड़कें हैं, ना साफ नाली है, जिसमें न शानदार विद्यालय है, न बिजली पानी के ही पुख्ता इंतजाम है। शर्म कीजिए प्रधान जी, कुछ तो शर्म कीजिए, क्योंकि गांव की जनता ने आपको विकास के लिए चुना है, और अगर आप जनता की उम्मीदों पर ही खड़े न उतर पाए तो जनता आपको उतार फेंकेगी उस कुर्सी से जिस पर बैठने के बाद आपने सत्ता के नशे में चूर होकर विकास के सभी वादे और दावे बहुत पीछे छोड़ दिए। तो भैया यू दिखाओ हमने आपको सीकरी गांव को हाल, सीकरी गांव में कैसे हो करो हो प्रधान जी ने काम। तो गांव के लोगों ने तो साफ साफ आरोप लगाए, 5 साल है गए और 5 साल में प्रधान जी ने कछ ना करो। करो तो उनको करो जो उनके संग लगे रहे दिन रात। शौचालय भी दिखाए हमने कि कैसे शौचालय बने, सड़कन को भी हाल दिखाया कैसे रहे, इंटरलॉकिंग टाइल दिखाई जो लगी ना, तो कुल मिला के जो लोगों ने कही हमने वो दिखाया है। अब सीकरी गांव के बाद अगलो नंबर है तुम्हारे गांव को, और हम फिर आएंगे तुम्हारे गांव में, लेकिन वाते पहले हमारा जो चैनल है वहाँ सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन घंटी दबा लो, और फेसबुक पर देख रहे हो तो शेयर जरूर कर लो, क्योंकि हमें ना सच्चाई दिखानी है गांव की, और गांव में अगर प्रधान ने कच करो तो वहाँ दिखाएंगे, ना करो तो वहाँ भी दिखाएंगे। राम राम जी। सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।